गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज आम गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाक जाऊँ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आज आम पढ़ा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीनिंग, तार कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी और तार बैरियर्स कौन कौन सब रही। तो फर्स्ट आम पढ़ा डेलीगेशन, व्हाट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन मैंने कौन, जितने आम किसी काम अन्य मानक देद डेलीगेशन बोली कह जाए। फॉर एग्जांपल गोटे कॉलेज रे, सॉरी स्कूल रे प्रिंसिपल अच्छा आउ क्लास टीचर, ये होंगे ट्वेल्थ क्लास रो क्लास टीचर। तो प्रिंसिपल भाविले कि आम ट्वेल्थ क्लास पिलांगु फेयरवेल दबा। तो प्रिंसिपल कौन आइडिया कले ना, जो मानक फेयरवेल दिया जिवो जो बेच को ट्वेल्थ क्लास रो, से मानक ना गोटे प्लेट रे गोटे पेपर रे सब स्टूडेंट्स रो पॉजिटिव क्वालिटी सब लिखा हो। तो प्रिंसिपल देले वर्कटा क्या क्लास टीचर को, क्लास टीचर कौन भाविले जदि मु ए काम रही, क्लास टीचर अन्य बहुत काम अच्छे ना, तो जदि ए काम रही मेन काम भलसे हैंडल करें। सो क्लास टीचर कौन भाविले ना मु कौन करी स्टूडेंट्स मानक से काम देवी जे से माने निज निजर किसी पॉजिटिव क्वालिटीज लिखे। तो क्लास टीचर कौन कले ना स्टूडेंट मानक देदे से दायित्व कहले तुम्हें निज निजर 10 पॉजिटिव क्वालिटी लिख। काम थिला कारो क्लास टीचर किंतु से कामटा देले क्या ना स्टूडेंट्स मानक देदे। तो दिस इज डेलीगेशन, जिते बड़े कौन हुए आम आम रेस्पोन्सिबिलिटी आउ क्या सांगे सेट कर दू, दैट इज डेलीगेशन। सेम केस आम फार्म रे हुए माने बिजनेस रे, मैनेजर मैंने कौन करती माने टॉप लेवल जो मैंने टॉप एग्जीक्यूटिव मैंने थांती से मैंने कौन करती लॉयर सुपरवाइजर लेवल रो सबऑर्डिनेट्स मानक किसी दायित्व दे दिखती, दैट इज डेलीगेशन। सो एटा थला डेलीगेशन। बट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कौन, अथॉरिटी मीन्स पावर। तो पावर दी टाइप टू टाइप्स रही पारे, लीगल पावर एंड इलीगल पावर। जितेबाला आम किसी रेस्पोन्सिबिलिटी सेयार करू विथ लीगल पावर, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। रेस्पोन्सिबिलिटी रेस्पोन्सिबिलिटी प्लस अथॉरिटी, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो किसी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसी फीचर्स रही, फर्स्ट हूँ डेलीगेशन ऑफ पावर। ये कौन हुए मैनेजर मैंने कौन करती सबऑर्डिनेट्स मानक निजर रेस्पोन्सिबिलिटी दिखती, अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। डेलीगेशन अकर्स ओनली व्हेन द पर्सन डेलीगेटिंग द अथॉरिटी हिमसेल्फ एज दैट अथॉरिटी, दैट इज ए मैनेजर मस्ट पोजेस व्हाट ही वांट्स टू डेलीगेट। गोटे पीपल मैनेजर हो सपोज गोटे सुपीरियर से के सबऑर्डिनेट्स को निजर दायित्व दे पारे, जो पाखे गोटे अथॉरिटी थी मो पाखे गोटे जिनस तो मुझे दे पारि, बट ताकि सी पोजेस करथु ओनरशिप, देन ही कैन ट्रांसफर द रेस्पोन्सिबिलिटी विथ अथॉरिटी। आउ कौन कहला डेलीगेटेड कैन चेंज अथॉरिटी, एंटायर अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। जिते बड़े सुपीरियर चाहिए जो सी राइट्स दे थी गोटे सबऑर्डिनेट्स को से चाहिए से राइट्स नहीं पार, किंतु पूरा संपूर्ण रूप नहीं पार, से राइट्स नहीं पार, से पावरटा आउ थे बैक कर बैक कर पार, बट सबूक एंटायर अथॉरिटी से केवी निज हाथ आउ थे पोजेस करना। यहाँ मो फीचर्स। नेक्स्ट आसला टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन अच्छे आमर जनरल डेलीगेशन, स्पेसिफिक डेलीगेशन, लेटरल डेलीगेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डेलीगेशन। तो फर्स्ट पढ़वा आम जनरल डेलीगेशन। जनरल डेलीगेशन माने कौन, फार्म रे कौन सुपर आम तीन टा लेवल अच्छे मैनेजमेंट रो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और सुपरवाइजर लेवल। तो सुपरवाइजर लेवल रे कौन हुए जो सबऑर्डिनेट्स माने विभिन्न प्रकार डिपार्टमेंट थाए, से डिपार्टमेंट मानक जन जन सुपरवाइजर था। तो जो सबऑर्डिनेट्स मानक रेस्पोन्सिबिलिटी दिहे से कौन जे सबूक फंक्शन माने मैनेजमेंट फंक्शन लाइक डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सबूक टास्क दिह मैंने कौन जे मैनेजर कौन करे जिते सबऑर्डिनेट्स को सबऑर्डिनेट्स को जो कामटा देवे सबूक फंक्शन कर कंपलसरी बाध्य,
किंतु स्पेसिफिक डेलीगेशन रे कोन वे ओनली गुडे स्पेसिफिक टास्क पे का ताकु रिस्पांसिबिलिटी दिया हबो बट जनरल सॉरी जनरल डेलीगेशन रे कोन वे ना सब जक टास्क तक करियो पडियो लेटरल डेलीगेशन कोन ना जेतले अथॉरिटीटा सुप्रियर मानको थारो सब ऑर्डिनेट्स मानको पाखु आसे दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग तो सही टाइम रे कोन हुए सब हटात किना गोटे कामुड़ी जन को देदा दैट इज कौन से इफेक्टिवनेस ही नियो कि एफिसीयसी नियो जहाद्वारा कौन जो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करियारे कंपनी फार्म को बेस प्रॉब्लम होतीपाई कौन कर सपोज मत किए हटात काम देदे तो मुझे सांगे सांगे हैंडल करें मुझे लोक अपॉइंट करी दैट इज लेटरल डेलीगेशन अपॉइंट करी कि इनफॉर्मल वे रे दैट इज लेटरल डेलीगेशन तापर आसला फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डेलीगेशन फॉर्मल डेलीगेशन माने कौन ये कौन थी ना सुपीरियर आउ सबऑर्डिनेट्स भितर गोटे भल रिलेशनशिप थी सी नॉर्मली काम दब रेस्पोंसिबिलिटी आउ जन पाक ट्रांसफर करद बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल डेलीगेशन कौन हम ना इनफॉर्मल वे रे रेस्पोंसिबिलिटी ट्रांसफर हम जमीती कौन है ना सुपीरियर कौन बीमार पड़गला तो सी से सांगे सांगे कम पड़ो दैट इज इनफॉर्मल वे यहाँ टाइप्स ऑफ डेलीगेशन आर बैरियर्स कौन रही देखा ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर सुपीरियर कौन हो ना ओवर कॉन्फिडेंस कह कि ना मुझ सब कम हैंडल कर दी मुझे रेस्पोंसिबिलिटी का देवी सेटा गोटे बैरियर कम है ना गोटे पीपल जड़े के सब जाक कम को ठीक भाव में हैंडल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स भितर कॉन्फिडेंस लैक हो कौन सुपीरियर भाव ना मुझे कम देवी कि जदि ये न कर पार्ला दैट इज ए बैरियर अल्सो प्रॉपर कंट्रोल भी रही है मैनेजमेंट रे जदि से भाव तार कौन जे कि गोटे मानने कन्फ्यूजन क्रिएट हो कम देवी ये भलसे कर तो ये कौन जो कंट्रोल लैक ऑफ कंट्रोल हो कंट्रोल भी ठीक से हो पार तो यह सब थी आम बैरियर्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आई थिंक समस्त बुझी पार्थिवे थैंक यू